Dear students, today we are going to start the numerical portion of 6th unit. तो इसमें हम numericals को शुरू करते हैं. First numerical है the distance of planet Jupiter from the sun is 5.2 times that of Earth. Find the period of revolution of Jupiter around the sun. तो जो Jupiter है उसकी distance सन से 5.2 टाइम्स है जो अर्थ की सन से डिस्टेंस है. मान लिया इफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज एक्स, तो ये अर्थ के लिए है, इसके लिए मैंने ई लिख दिया. तो डिस्टेंस ऑफ जुपिटर क्या बन जाएगी, 5.2 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस एक्स ई. इसे आगे क्या लिखा है, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड द सन. तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे. तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का सिंपल सी एक फंडा होता है जो भी ये प्लानिटरी मोशन होते हैं कि टाइम पीरियड इज स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस. तो स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस. ये एक सिंपल फंडा होता है. तो अर्थ का अगर टाइम पीरियड लेना है तो अर्थ का टाइम पीरियड इज इक्वल टू उसके जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से उसका क्यूब. तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई का स्क्वायर, और टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इसका स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ जुपिटर और इसका सॉरी ये क्यूब रूट क्यूब लेना है क्योंकि ये फार्मूला ये है. तो यहाँ से दोनों का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट आ जाएगी साइड और राइट के नीचे राइट साइड आ जाएगी. तो टी ई का स्क्वायर फॉर अर्थ डिवाइडेड बाय टी जेड का स्क्वायर फॉर जुपिटर. ये पोजीशन ऑफ अर्थ इसका क्यूब, पोजीशन ऑफ जुपिटर विद रिस्पेक्ट टू सन इसका भी क्यूब. तो अब यहाँ से हमें किसका टाइम निकालना, जुपिटर का टाइम निकालना है. तो टी जेड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये तो उधर चला जाएगा, टी ई का स्क्वायर आर जेड बाई आर ई, ये ऊपर आके इसके उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा. अब हमारे को पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है वो एक साल में करती है, तो इसका तो हमें पता है वन का स्क्वायर. आर जेड बाई आर ई की वैल्यू निकालनी है. आर जेड डिस्टेंस ऑफ जुपिटर क्या है, 5.2 इंटू में एक्स ई, और आर ई का मतलब क्या है, मतलब डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ये एक्स ई हमने माना था. तो ये एक्स ई से एक्स ई कैंसल, तो ये टी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 5.2 के क्यूब के बराबर आ जाएगा. तो टाइम निकालना है तो 5.2 की पावर 3/2 दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ से जो समय आएगा दैट विल बी इक्वल टू 11.86 ईयर, 11.86 ईयर. तो जुपिटर जो है वो सन के चारों तरफ जो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है इट टेक 11.86 ईयर्स, तो इतना समय लेता है वो. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इफ द अर्थ बी एट 1/4 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, अगर अर्थ अभी जिस भी डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस से अगर एक्स बाई फोर डिस्टेंस पे होती, हाउ मैनी डेज विल बी चेंज इन द प्रेजेंट वन ईयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो उसको कंप्लीट करने के लिए साइकिल को अभी जितना समय लगता है उसमें से कितने दिन चेंज हो जाते, नंबर ऑफ डेज कितने चेंज हो जाएंगे ये निकालना है, चेंज निकालना है.
तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मान लेते हैं कि पहले जो अभी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो x है, तो अगर डिस्टेंस चेंज हो गई, कितनी हो गई, x से x बाई 4 हो गई, तो वो x2 निकाल, वो x2 वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं पहले तो, लेट नाउ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, नाउ डिस्टेंस between earth and sun is x, और अगर ये चेंज हो जाएगी कितनी हो जाएगी आफ्टर चेंज, गिवन कंडीशन खुद ही बताई है उसने कि अगर ये डिस्टेंस x की बजाय x बाई 4 हो जाए, वन फोर्थ इफ द अर्थ एट वन फोर्थ, हाँ ठीक है, हाउ मैनी डेज विल बी चेंज। अभी अगर x है तो वो कितने दिन लगाती है, 365 डे लगाती है, और हमें पता है t square इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो जब ये r का मतलब x पर है तो समय कितना लगता है, 365 डे, तो 365 का स्क्वायर और ये x का क्यूब, और जब ये x बाई 4 पे होगी, x बाई 4 पर जब ये होगी तो टाइम हमें नहीं पता कितना लगेगा, मान लेते हैं उसको टी स्क्वेयर। तो यहाँ से टी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है तो इसके नीचे इसको ले आते हैं, टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 365 का स्क्वेयर, और ये बन जाएगा एक्स बाई 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ये सिर्फ क्या बचेगा, 1 बाई 4 का क्यूब। तो टी स्क्वेयर बाई 365 का स्क्वेयर, और ये 1 बाई 4 का क्यूब के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वेयर किस के बराबर क्या आ जाएगा, 365 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 365 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वेयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरे को लिख सकते हैं 360 बाई 8 पूरे का स्क्वेयर, टी स्क्वेयर के बराबर ये आ गया। तो दोनों तरफ का स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 365 डिवाइडेड बाई 8, इसको काट देते हैं, ये 832, फिर 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, और फिर 5 बचेंगे, तो 8 सीकर लगभग 45.6 डेज इतना टाइम लगेगा उसको। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज अभी लगता है 365 डेज माइनस 45.6, तो ये इतना चेंज हुआ, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी 319.4 डेज, शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं चेक कर लेता हूँ, ओके फाइन। तो अगर इसकी डिस्टेंस 1/4 हो जाएगी तो इतना टाइम का चेंज आ जाएगा, सिर्फ 45.6 डेज लगेंगे और जो चेंज आएगा वो इतने के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10^27 केजी। तो मास ऑफ जुपिटर इज गिवन 1.9 इंटू 10^27 केजी, एंड दैट ऑफ सन इज, मास ऑफ सन इज गिवन 1.99 इंटू 10^30 केजी। द मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन इज, तो जुपिटर की डिस्टेंस सन से दे रखी है 7.8 इंटू 10^11 मीटर। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एग्जर्ट ऑन द जुपिटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है सन के द्वारा, इसके ऊपर जितना लगेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। Assuming Jupiter move in circular orbit around the sun, calculate speed of the Jupiter. तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसको इतने को सोल्व करते हैं। तो ये एफ जी की वैल्यू निकालनी है, कैसे आ जाएगी, जी इन टू में मास ऑफ सन मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो जी की वैल्यू उसने दे रखी है 6.67 इंटू 10^-11। मास ऑफ सन 1.99 इंटू 10^-30, और इंटू में करना है मास ऑफ जुपिटर, तो ये 1.9 10^-27 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 7.8 इंटू 10^-11 और इसका स्क्वेयर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, नोट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू जो आएगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 4.15 इंटू 10^23 न्यूटन, इतनी वैल्यू आएगी इसकी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.15 इंटू 10^23 न्यूटन। इतना फोर्स सन जुपिटर के ऊपर लगाएगा, विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, अज्यूमिंग दैट जुपिटर मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द जुपिटर। अब अगर कोई सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है, दिस इज सन, दिस इज जुपिटर विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, और ड्यू टू सर्कुलर मोशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है mv² / r के बराबर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन fc इज इक्वल टू f ग्रेविटेशनल, तो fc का मतलब mv² / r, और fg की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4.15 इंटू 10^23। यहाँ से v² किसके बराबर आ जाएगा, 4.15 इंटू में 10^23 इंटू में रेडियल डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ जुपिटर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, v² इज इक्वल टू 4.15 इंटू 10^23, रेडियल पोजीशन है 7.8 इंटू 10^11, और मास ऑफ जुपिटर जो है 1.9 इंटू 10^27, और इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे दोनों तरफ तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आपकी 1.3 इंटू 10^4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो चल रहा है जुपिटर, इसके चारों तरफ इसकी सर्कमफ्रांस पे जो इसके पाथ है उस पे इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1.3 इंटू 10^4 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए मैंगो ऑफ मास 250 ग्राम फॉल फ्रॉम ए ट्री, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ, ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड द मैंगो। फिर मास ऑफ अर्थ दिया है और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है विच इज ऑलरेडी नोन फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज, ए मैंगो ऑफ मास, मास ऑफ मैंगो 250 ग्राम, ग्राम के किलोग्राम बना लेंगे तो 0.25 kg 1000 से डिवाइड करके। व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ, ये निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड द मैंगो, तो एक्सीलरेशन ऑफ मैंगो एंड एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ दोनों एक दूसरे के तरफ कितना एक्सीलरेशन है ये निकालना है। गिवन दैट मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ किसके बराबर होगा, 5.983 इंटू 10^24 किलोग्राम, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6.378 इंटू 10^6
मीटर। जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 6.67 × 10⁻¹⁻ होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या होगा, जी इंटू में मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ मैंगो डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 × 10⁻¹⁻ मास ऑफ मैंगो एंड मास ऑफ अर्थ दोनों रखना है। तो ये आ गया 5.983 × 10⁻²⁴ इंटू में मास ऑफ मैंगो का मतलब है 0.25 और डिवाइडेड बाय स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो रेडियस ऑफ अर्थ 6.378 × 10⁻⁶ का स्क्वेयर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एफ की वैल्यू जो आएगी हमारी आफ्टर कैलकुलेशन, हाँ ये एफ की वैल्यू हमारी डायरेक्ट हम निकालेंगे नहीं, अभी इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो एक्सीलरेशन ऑफ मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ अगर निकालना है तो वो अभी जो भी ये फोर्स की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर अर्थ का लेंगे तो अर्थ का मास अर्थ का एक्सीलरेशन, ये जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी, अभी निकाला नहीं है इसको, सेम एज इट इज। अगर आप मैंगो का लोगे तो मास इनटू में एक्सीलरेशन ऑफ मैंगो। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम जो भी वैल्यू ये आएगी, अगर आप उसको मास इनटू एक्सीलरेशन अर्थ के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों चीज़ें उसकी ले लो, और अगर मैंगो के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों चीज़ें दोनों वैल्यू उसकी ले लो। तो अभी इसकी वैल्यूज को फर्स्ट एक बार तो इसके साथ मैंगो के साथ कंपेयर करते हैं, मास ऑफ मैंगो 0.25 इंटू में एक्सीलरेशन ऑफ मैंगो। तो ये 0.25 से 0.25 कट जाएगा तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली इस पूरी वैल्यू को जब मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ से कैलकुलेट करो इक्वेट करोगे तो वहाँ पे उस मास ऑफ मैंगो की जगह आपने रखना मास ऑफ अर्थ, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो बचेगा वो सारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ आ जाएगा। उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, हाँ उसकी वैल्यू आएगी 4.1 × 10⁻²⁵ एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ 4.1 × 10⁻²⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इतना एक्सीलरेशन आएगा अर्थ का। तो जब भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट भी एक्सीलरेट करता है और अर्थ भी, लेकिन देखो अर्थ का वैल्यू माइनस की 25 है, बहुत ही ज़्यादा है और वो 10 के बराबर है, तो ये उससे 10⁶ गुना कम है, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन करके देखो 10⁻²⁶ के बराबर हो गया ये। तो इसलिए अर्थ हमारे को लगता नहीं है कि ऊपर की तरफ जा रही है, नेग्लिजिबल है वो। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे फिर और भी न्यूमेरिकल करने हैं इस चैप्टर में, इस यूनिट में। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर, थैंक यू।